फ्रेंड्स, आज अब समर स्टार्ट हो गई है तो हम लोग आज बनाएंगे वाटर लेमोनेड। वाटरमेलन लेमोनेड के लिए हमको क्या चाहिए, आधा वाटरमेलन चाहिए, इसके लिए हमको लेमन स्क्वैश चाहिए, लेमन जूस चाहिए, सोडा वाटर चाहिए और मिंट लीव्स चाहिए। आधा लीटर वाटरमेलन के लिए हमको 3 to 4 टेबल स्पून लेमन स्क्वैश चलेगा और हमको जितने ग्लास वाटरमेलन जो ये बनाना है लेमोनेड उसके लिए हमको लेमन ये सोडा वाटर चाहिए होगा जो लगभग 2 बॉटल के लगभग हो जाएगा। 20-25 मिंट लीव्स चाहिए हमको और हाफ टू वन टेबल स्पून हमको लेमन जूस चाहिए। सबसे पहले हम इसके जो वाटरमेलन है उसके सीड्स निकाल देंगे, उसके बाद हम इसमें ग्राइंडर में हम इसको डालेंगे, मिंट लीव्स डालेंगे, लेमन स्क्वैश डाल देंगे। अगर आप लेमन स्क्वैश नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसकी जगह हम शुगर भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लेमन जूस डाल देंगे। ये सब करने के बाद हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। वो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको सर्व करना है। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास में ये सोडा वाटर लगभग हाफ जितना फिल कर देंगे, उसके बाद हम ये वाटरमेलन का जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। इस तरह से ये हमारा लेमोनेड तैयार हो गया। सिंपल, इजी, बहुत जल्दी बन जाता है और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी है। इसके आप शुगर भी यूज कर सकते हैं। शुगर अगर हमको लेमन स्क्वैश की जगह डालनी है तो हम एक ग्लास में 3 से 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। अदरवाइज हम लेमन स्क्वैश डालेंगे तो हमको शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।